हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सबमिट में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जमीन की रजिस्ट्री कैसे करते हैं। दोस्तों, आज मैं लाइव आपको यहां पर बताने वाला हूं कि जमीन की रजिस्ट्री कैसे होती है। मान लीजिए दोस्तों, अगर कोई भी आपका जमीन पसंद में आ गई हो, जैसे कि आपका मकान हो, बना बनाया मकान पर पसंद आ गई हो, या तो किसी का खेत पसंद आ गई हो, या तो कहीं और जगह रह रहे हैं, तो कोई भी अगर जमीन से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ अपने नाम पर करना चाहते हैं, तो पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में मैं बताया हूँ। पूरी ध्यान से देख कर समझ लीजिए, उसके बाद आप अपना रजिस्ट्री करवाकर अपने नाम पर जमीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मैं वीडियो को यहां पर शुरू करता हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि कोई भी अगर जमीन आपको पसंद आ गई हो, मकान हो, प्लॉट हो, कोई भी चीज हो पसंद आ गई हो, तो वहां पर क्या करना है, सबसे पहले आपको उस एरिया के जो भी प्रखंड के जिस जहां पे जिस मौजा में वो जमीन है, वहां पे जिस प्रखंड में रहते हैं, वहां पर आप जाकर कर्मचारी से मिलकर एक बार पता कर ले कि क्या वो जो जमीन है वो सही है या गलत है। अगर कहीं से भी अगर त्रुटि लगता हो कि नहीं इसमें ये है वो है, तो आप उस जमीन को मत लीजिए। अगर पूरी डिटेल सही है तो सारा चीज सही रहता है। दूसरी मेथड ये है कि जिसने भी जमीन आपको बेच रही है, मान लीजिए प्लॉट, जमीन, खेत, कुछ भी बेच रही है, तो उससे सारा डॉक्यूमेंट ले लीजिए कि क्या उनके नाम पर जमीन है कि नहीं है। उसके नाम का रसीद ले लीजिए, कितने उनका रसीद कटता है, कितना जमीन अभी है वो पता कीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, अगर आपने पता कर्मचारी वगैरह हर एक जगह से उनसे डॉक्यूमेंट मांगकर जो भी रसीद है देख लिए हैं, तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जो भी जमीन का रसीद होती है, जैसे कि कोई भी अगर जमीन रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जांच पड़ताल करने की जरूरत है। तो वो जांच पड़ताल सही तरीका क्या है, मैं वो बता रहा हूँ। सबसे पहले गूगल पर चले जाइए और वहां पर जो भी हमारा यहाँ पर बताते हैं onlinesubmit.com, याद रहे गूगल पर टाइप कीजिएगा onlinesubmit.com। जैसे कि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो onlinesubmit.com पर जाकर ही बताता हूँ। तो वहां पर जाने के बाद आपको जो खतियान प्रिंट करने का तरीका है, खतियान प्रिंट कर लीजिए कि उनके दादा परदादा किन के नाम पर पहले जमीन था, वो जमीन कब लिए हैं, कैसे लिए हैं, सारा डिटेल्स आप निकाल सकते हैं। खुद से जो भी रसीद कट रहा है, अगर मान लीजिए वो आपको डुप्लीकेट दे दे, तो उसमें भी गलती है। आपको डुप्लीकेट से बचने के लिए डायरेक्टली उनके साइट पर चले जाइए, जो भी जमाबंदी संख्या पंजी संख्या से निकालना चाहते हैं, पूरी रसीद को प्रिंट कर लीजिए, देखिए जो जमीन है सही है या गलत है, वहां से समझ सकते हैं। दोस्तों, आप ऑनलाइन जमाबंदी भी देख सकते हैं, पंजी टू देख सकते हैं, पूरी वीडियो मैंने बना के रखा है हमारे चैनल पर, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर मान लीजिए अब तो जो जमीन की रजिस्ट्री जो करवाने का प्रोसेस है पूरी तरीके से, मान लीजिए सारा डिटेल सही है, सभी जमीन का लेन देन यानी कि जो भी है वो सही है, अब आपने जमीन की रजिस्ट्री करवानी है, तो अब कैसे करने, मान लीजिए कोई भी खेत मकान प्लॉट पसंद आ गई हो और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद सारा चीज सही है, तो अब उसको आप अपने नाम पर कैसे करना है, रजिस्ट्री कैसे करवानी है, तो चाहे सारा चीज यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, अपने प्रखंड के यानी कि जिस मौजा से बिलोंग करते हैं, तो उस मौजा के प्रखंड में जाना पड़ेगा। वहां पर होता है सब रजिस्ट्री ऑफिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं जिला निबंधन कार्यालय, वहां पर सभी को जाना पड़ता है। किनको किनको जाना पड़ता है, जो जमीन खरीद रहा है उसके साथ दो आदमी को जाना होगा जो गवाहों के समक्ष, और जो जमीन बेच रहा है उनको सारा डॉक्यूमेंट लेकर रसीद वगैरह लेकर उनको जाना पड़ता है सब रजिस्ट्री ऑफिस में, जो भी आपके प्रखंड में होता है। वहां पर जाने के बाद वहां पर बहुत सारे वकील रहते हैं, किसी एक वकील को पकड़ लेनी है, वो आपका सारा डॉक्यूमेंट्री यानी कि जो डीड होता है पूरी तरीके से तैयार कर देते हैं। जब वो पूरी डॉक्यूमेंट्री तैयार कर देते हैं, अपना पैन वेरिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन, अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन करके साइन, मोहर, स्टाम्प, इधर उधर सब लोग वही वकील आपका करवा देते हैं। तो अगर उतना काम हो जाता है, तो अब क्या करना है, जो भी आपका जो डीड मिलता है 7-8 पेज का, जिसपे आपका पूरा नाम, पता, जिसने जमीन बेचा, जिसने जमीन खरीदा, कौन से खाता है, कौन से प्लॉट है, कितने जमीन है, कितने में पैसा में लेन देन हुआ है, पूरी जमीन का नक्शा पूरा उस डीड में रहता है, यानी कि 10 से 15 पेजों के अंदर में वो पूरी तरीके से डीड बोला जाता है, ठीक है, यानी कि उसको हिंदी में दस्तावेज भी लोग कहते हैं, याद रहे। तो उस दस्तावेज को ले अगर ले लेनी है, वहां से लेने के बाद उसको ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन कर दीजिए। दाखिल खारिज आवेदन करने के बाद 5-10 दिन 15 दिन के बाद
आपका जो भी है, जो अपना कर्मचारी वेरीफाई करते हैं, सीओ वेरीफाई करते हैं, तो स्लिप जनरेशन हो जाता है, यानी कि आपका रसीद अपने नाम पर कटने वाला है। अब जो रसीद कटने लगा आपके नाम पर, वो रसीद और जो दस्तावेज मिली है उसको लेकर अपने फाइल में रख लीजिए, तब जाके पूरी जमीन की रजिस्ट्री का जो प्रोसेस है यहाँ पर सफल होगा कि जो जमीन पसंद में आ गई हो वो अपने नाम पर करा लिए, रसीद भी कटने लगा, जमाबंदी भी दिखाने लगा, रजिस्टर 2 में भी मेरा नाम चढ़ गया, तो पूरी जमीन का रिकॉर्ड आपके नाम पर हो चुकी है। तो फाइनली मैं सारा स्टेप बता दिया हूँ कि कैसे रजिस्ट्री करवानी है और कैसे रजिस्ट्री करवा के अपने नाम पर कर लेनी है, तो फुल प्रोसेस बता दिया हूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो की ओर।